हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 4th नवंबर, मींस दिवाली। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस दिवाली में आपके घर खुशियों से भर जाए। और अभी बजे है सुबह के 8:30 और आज टेम्परेचर है -2 डिग्री। देखो, आज माइनस में टेम्परेचर चला गया है। कल बर्फ भी गिरी थी, मींस हल्की सी स्नो फ्लरी थी कल। यहाँ पे ठंडी स्टार्ट हो गई है। तो अभी सुबह के 8:30 बजे है और मैं धीमही और शीतल को उनकी जॉब पे ड्रॉप करके आया हूँ। और अभी नहाने का भी बाकी है, तो मैं अभी नहा लेता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अभी दोपहर के 12 बजने को आए, मगर फिर भी अभी नहाने का टाइम नहीं आया है, मुहूर्त नहीं है अभी नहाने का, क्योंकि मुझे बाल कटवाने हैं। और बाल कटवाने के लिए मैं मेरे घर के पास एक स्टोर है, वहाँ पे गया था। वो पाकिस्तानी का स्टोर है, तो वहाँ पे मैं पहले गया था, मगर वो 9th नवंबर तक बंद है। तो फिर मैं यहाँ पे प्लामंडन आया हूँ। यहाँ पे घर है, उसके बेसमेंट में वो सलून है, तो यहाँ पे मैं अभी बाल कटवाने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे अभी ओपन है, तो जाते हैं यहाँ पर और फटाफट बाल कटवा देते हैं। तो ये प्लामंडन एरिया है और यहाँ पे ये सलून है बेसमेंट में, तो यहाँ पे जाके हमें बाल कटवाने हैं। दिवाली के दिन बाल कटवाने निकले हैं। देखते हैं अभी ओपन है या नहीं। तो ये है सलून जहाँ पे मैं अक्सर बाल कटवाने आता हूँ। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। ये जो सलून है वो घर के बेसमेंट में है। यहाँ पे बेसमेंट है, तो बेसमेंट के अंदर सलून है। और ये है प्लामंडन एरिया। तो अभी मैंने बाल कटवा दिए हैं, और बताओ आप कैसे बाल कटवाए हैं? कुछ भी हो, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, जो है यही है। यहाँ पे लोग मशीन से बाल काटते हैं। जो अस्त्र होता है ना, हमारे इंडिया में ऐसा अस्त्र यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे मशीन से बाल काटते हैं। तो अभी बाल कटवाने का प्रोग्राम ख़त्म और अभी बारी आई है नहाने की। तो कैसे बाल काटे हैं ना, वो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाल काटते हैं ना वो मशीन से काटते हैं। जो इंडिया में हम अस्त्र यूज़ करते हैं ना, वैसे यहाँ पे कोई अस्त्र यूज़ नहीं करता है, सभी काम मशीन से होता है। अगर अस्त्र से काटे और कहीं लग जाए ना, तो यहाँ की पब्लिक जो होती है ना वो शू कर देती है। तो ये लोग यहाँ पे मशीन से ही काटते हैं। हास, माथा ऊपर से बाहर ऊसो थी गयो। हेयर कटिंग के बाद कैसी फीलिंग आती है? नहीं, ऐसा लगता है कि सिर पे से पूरा बोझ था वो हट गया, किसी ने पूरा बोझ हटा दिया, ऐसी फीलिंग आती है। और मैं यहाँ पे जहाँ पे बाल कटा के आया, वहाँ पे बाल कटाने के $15 दिए, और जो मेरे घर के पास स्टोर है, जो पाकिस्तानी का स्टोर है, वहाँ पे वो $12 लेता है।
जहाँ पे अभी मैंने बाल कटाए ना, वहाँ पे पहले $6 थे, मगर अभी ये पेंडेमिक के बाद कुछ रेगुलेशन ऐड हो गए, जैसे बाल वो वॉश करने पड़ते हैं काटने से पहले और कुछ वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके रीज़न से भी इन्होंने रेट थोड़ा बढ़ा दिया है। मगर पहले ये लोग $6 में काटते थे और अभी $15 कर दिए हैं, और जहाँ पे मैं बाल कटवाता हूँ वहाँ पे $12 लेते हैं, और यहाँ पे भी मशीन से काटते हैं वहाँ पे भी मशीन से काटते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, मगर वहाँ पे हम जैसे बोले ना वैसे हम कटवा सकते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारे वहाँ पे क्या फैशन चल रही है, किस तरह के बाल नॉर्मली हम लोग रखते हैं, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप कमेंट करके बताओ कि बाल कैसे कटे हैं, वैसे तो जैसे भी कटे हो उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, मगर फिर भी आप बताओगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ कार वॉश करवाने के लिए। काफ़ी लंबे टाइम से मैंने कार वॉश करवाई नहीं है और आज दिवाली भी है, तो आज हम कार वॉश करवा लेते हैं, और दिवाली में नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा आज की वीडियो में कि भाई अगर ब्यूटी पार्लर या फिर हेयर ड्रेसिंग का कोई कोर्स हमने किया हुआ है या फिर ब्यूटी पार्लर का काम आता है तो वो केस में कनाडा में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आए हो या फिर आपने हेयर ड्रेसर का भी कोई भी कोर्स किया हुआ है और आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है, तो वो केस के अंदर कनाडा में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब ये मत पूछना कि ब्यूटी पार्लर के कोर्स के अंदर हमें कोई पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। पीआर आपको ब्यूटी पार्लर या फिर हेयर ड्रेसिंग का कोई कोर्स आप करके आओगे और आपको उसके बेस ऊपर आपको यहाँ पे पीआर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मगर हाँ, अगर आप यहाँ पे पीआर के तौर पे आ रहे हो या फिर वर्क परमिट के तौर पे आ रहे हो या स्टूडेंट वीज़ा लेके आ रहे हो, व्हाटएवर वे से आप आ रहे हो, मगर अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम जानते हो या फिर आपको हेयर ड्रेसिंग का या हेयर ड्रेसर का काम आता है, तो वो केस में आप यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, आप घर बैठे भी काम कर सकते हो। मैंने जहाँ पे हेयर कट करवाए ना, वो उसके घर के बेसमेंट में उसने सलून बनाया हुआ है, तो आप अपने घर से भी ये काम कर सकते हो। जो स्टार्टिंग फेज़ होगा उसके अंदर आपको थोड़ा टाइम लगेगा कांटेक्ट क्रिएट करने में या फिर सबसे पहचान बनाने में, मगर धीरे 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 आपको यहाँ पे काम मिल जाता है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये सब काम यहाँ पे डिमांड में है। नॉर्मली मैंने जहाँ पे हेयर कट करवाए ना, वहाँ पे तो वो $15 ही थे, मगर यहाँ पे जो प्रोफेशनल सलून और वो सब है ना, वहाँ पे वो लोग $50-$50 चार्ज करते हैं हेयर कटिंग के, और जो ब्यूटी पार्लर के जो अलग अलग काम आते हैं उसके तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो अगर आप में वो स्किल है और आपको वो काम आता है, तो वो केस में आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेडीज पेस से अलोन बहनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जेंट्स की तो मुझे पता नहीं है, मगर हाँ, अगर बहनें यहाँ पे ऐसा कुछ काम सीख के आती है तो वो केस में उनको बहुत अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अभी देखते हैं कि कार वॉश वाला खुला है या नहीं है, पिछली बार तो कार वॉश वाला बंद था, अब देखते हैं आज कार वॉश वाला खुला है या नहीं है। खुला होगा तो फिर यहाँ पे कार वॉश करवाएंगे, अगर नहीं होगा तो दूसरी जगह से, मगर आज कार वॉश करवाए बिना वापस नहीं जाएंगे। हेलो मैम, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। और वॉशिंग करा होता है या एक्सप्लोर करा होता है?
अभी देखो हमारी कार इनसाइड आउटसाइड दोनों तरह से वॉश हो गई है और चकाचक हो गई है। देखो इनसाइड तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।